ऐसी भी घटनाएं होती हैं जो हमें सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि क्या ऐसी भी घटनाएं हो सकती हैं, क्या ऐसा भी लोग कर सकते हैं। एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी के प्राइवेट पार्ट को सील दिया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मामला है मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। सिंगरौली के एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि यह कथित घटनाक्रम जिले के मांडा थाना क्षेत्र का है। यहाँ की एक महिला ने शिकायत दी कि उसका पति उसके चरित्र पर शक करता था। पति आरोप लगाता था कि गैर पुरुष के साथ महिला के संबंध है। यही नहीं, पति शक में इतना अंधा हो चुका था कि उसने उसका प्राइवेट पार्ट को सुई धागे से सील दिया था। अनिल सोनकर ने आगे बताया कि इस मामले में शिकायत के बाद आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर आरोप सच्चे हैं तो यह बेहद ही अमानवीय अपराध है और महिला को बहुत पीड़ा से गुजरना पड़ा होगा। उन्होंने बताया कि महिला का मेडिकल चेकअप हो चुका है और फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। इससे पूर्व भी इसी साल मार्च में ऐसा ही एक मामला सामने आया था जिसमें उत्तर प्रदेश के रामपुर से एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के प्राइवेट पार्ट को तांबे के तार से सील दिया था। वो भी सिर्फ शक के दायरे पे उसने इस तरीके की घटनाक्रम को अंजाम दिया था, जबकि उन दोनों की शादी के बस 2 साल पूरे हुए थे और इसी क्रम में वो शक में इतना अंधा हो चुका था कि उस शख्स ने इतने घिनौने और इतने घटिया घटनाक्रम को अंजाम दिया। पीड़िता ने बताया था कि उसका पति अक्सर उसके ऊपर शक करता था। इसे लेकर दोनों के बीच खूब कहासुनी भी होती थी। यही नहीं, आरोपी उसके साथ मारपीट भी करता था। महिला ने बताया था, जब मैं सो रही थी उसने सुबह 6 बजे टाके लगाने की कोशिश की। मैं उठ गई तो उसने मेरे मुंह में कपड़ा भर दिया, अपने पैरों से मेरा हाथ दबा दिया और तब तांबे के तार से टाके लगा दिए। महिला की तरफ से दर्ज कराई गई FIR के बाद पुलिस ने इस मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी ने पुलिस को बताया था कि उसकी पत्नी गलत काम कर रही थी। उसने कहा कि वो तो सुबह ही काम पर निकल जाता था, फिर उसकी पत्नी आवारा गर्दी करती रहती थी, नाजायज संबंध बनाती थी, इसलिए उसने गुस्से में आकर उसके प्राइवेट पार्ट में तांबे के तार से टाके लगा दिए। आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ साथ पुलिस ने पीड़ित महिला को अस्पताल में भी भर्ती कराया था। तब तक के लिए देखते रहे एशिया न्यूज इंडिया रांची।